क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। लेकिन हमारे प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जिंदगी की जंग को फतह करते हुए अनंत यात्रा पर निकल गए। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी हार नहीं मानी। आज भी इनकी कविताएं जीवंत रूप में हमारे सम्मुख हैं। राजनीति के महानायक की जिंदगी की किताब अब बंद हो गई है। लोग अब उन्हें शत शत नमन करते हुए अंतिम विदाई दे रहे हैं। वहीं पूरे देश में इनकी मृत्यु से लोग शोक में डूब गए हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज गोरखपुर में भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दे रही हैं। गोरखपुर के नगर निगम सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, नगर आयुक्त डीके सिन्हा सहित अनेक पार्षद व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस मौके पर महापौर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई भी दूसरा राजनेता पैदा नहीं हो सकता है। वो एक सर्वमान्य नेता थे जिनकी याद सभी को बहुत आएगी। नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त नेता थे। भारत के छिछित में चमकते सितारे का अंत हो गया है। आज पूरी देश, पूरी दुनिया दुखी है। अटल जी ने राजनीति में जो सुस्तता कायम की है, वह भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवशाली इतिहास है। अटल जी के प्रति श्रद्धांजलि सबसे बड़ी यही होगी कि उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं देश के विकास के लिए, उस पर भारतवासी चलें और उनके विचारों को, उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अटल जी ने देश के विकास के लिए दूरदृष्टि से, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान, स्वर्ण चतुर्भुज योजना, नदियों को जोड़ने की योजना, गरीबों के लिए आवास, ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पाकिस्तान में बस यात्रा, पोखरण विस्फोट, सर्वसम्मति से भारत के 1वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, यह साबित करता है कि विरोधी भी उनके राजनीति के कायल थे। अपनी बातें अटल जी विरोधियों से हंसते हंसते मनवा लेते थे। उनका कोई भी विरोधी नहीं था, वो देश के आजाद शत्रु थे। आज हम लोगों ने, शहरवासियों ने अटल जी को नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गोरखपुर वासियों के तरफ से मैं अटल जी को पुनः श्रद्धांजलि देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गोरखपुर से भी उनका खासा रिश्ता है, गोरखपुर से भी उनका खासा रिश्ता रहा है। गोरखपुर से अटल जी का बहुत ही रिश्ता रहा है। वो चुनाव में यहाँ पर आए थे, उनके भाई की ससुराल है, अपने भाई के ससुराल में सहबाला बनकर यही राज टाकीज के पास आए थे और उनको गोरखपुर से बहुत ही प्यार था। अवैधनाथ जी महाराज से उनकी गहरी दोस्ती थी। बीमारी की हालत में भी जब प्रचार में आए थे, सभी अधिकारियों के मना करने के बाद गोरखनाथ मंदिर गए और बड़े महाराज जी से आशीर्वाद लिया, उनकी राम जन्मभूमि मामले में चर्चा की। इस तरह के हमारे सरल और सहृदय हृदय के अटल जी थे। अटल जी की पहचान मधुबनी होने से बहुत बड़ी पहचान, एक नई प्रकार की बहुत लंबे दौर की राजनीति उन्होंने किया। और जैसा कि कहा, महात्मा गांधी के बाद महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के यदि कोई दूसरा व्यक्ति आया तो सबसे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी एक व्यक्ति नहीं, विचार थे।
एक व्यक्ति नहीं एक संस्था थी, और जैसा यहाँ आज कहा गया महात्मा गांधी जी के प्रतिरूप थे, महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व और विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व इस देश में किसी ने किया तो अटल जी ने किया। वो हमारे बीच थे, हैं और हमेशा रहेंगे। व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके कर्म से और उसके विचारधारा से होती है, और इस दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए अटल जी एक आदर्श हैं। उनकी समन्वय की राजनीति, उनकी द्वेष रहित राजनीति, उनकी सबको जोड़ करके चलने की मानसिकता, जाति धर्म और दल की परंपरा से भी ऊपर उठ करके सभी नागरिकों और सभी विचारधारा के लोगों को जोड़ कर चलने की परंपरा, देश के विकास में उनकी भूमिका थी। लेकिन देश के विकास का जो मानसिक विकास का स्तर है, राजनीति के मानसिक विकास का स्तर है, उसमें उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और यही कारण है कि आज सभी राजनीतिक दल, सिर्फ भाजपा के लोग नहीं, सभी राजनीतिक दल सभी मर्माहत हैं अटल जी के हमारे बीच में न रहने से। ये उनके एक बहुत बड़े व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व होने का एक सीधा सीधा मूल्यांकन है। आज के इस अवसर पर मैं महानगर के नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, वो सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं थे, पूरे देश के नेता थे। और जिस अजात शत्रु के भाव से उन्होंने देश की सेवा किया, उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी सर्वमान्यता स्थापित की थी। जाति से, धर्म से, क्षेत्रवाद से, और राजनीति में जो सबसे मुश्किल कार्य होता है, दलों की सीमा से ऊपर उठ करके उन्होंने संपूर्ण मानव समाज को अपने हृदय में स्थान दिया था। किसी प्रकार का पक्षपात उनके अंदर नहीं था। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति में और पूरे देश में एक भी नागरिक और राजनेता हम लोग ढूंढ पाएंगे जो उनका दिल से सम्मान न करता हो। उनके विरोधी भी उनको दिल से मानते थे। यह उनका एक ऐसा राजनीतिक चरित्र था जो राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए अनुशासन का विषय हो सकता है। उन्होंने कभी वैमनस्य नहीं पैदा किया, और विरोध किसी व्यक्ति का नहीं किया, विचारधारा का किया, गलत काम का किया, और निडर होकर के किया। बावजूद इसके सबसे सम्मान अच्छे संबंध बनाए, और ये उनकी महानता देखिए। उनके जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब वो आर्थिक संकट से दूर जूझ रहे थे और अपना इलाज नहीं करा सकते थे। किडनी की बीमारी थी उनको। बहुत बड़े स्थापित नेता थे, प्रधानमंत्री नहीं थे तो क्या हुआ, लेकिन वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं कराए और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग भी नहीं किया, इलाज के बीमारी के साथ जीते रहे। जब उनकी इस बीमारी का कहीं से पता तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को पड़ा, तो राजीव गांधी जी ने एक विदेश जाने वाले समूह में उनको इसलिए जोड़ा कि वो विदेश जा सके, और वहाँ जा करके उन्होंने इलाज कराया। लेकिन उनके चरित्र का बड़प्पन ये था कि राजीव जी ने इसको अगर कभी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, उन्होंने स्वयं सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा किया कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो राजीव गांधी जी के नाते जिंदा हूँ। ये जो संदेश दे करके हमारे बीच में से वो गए हैं, राजनीति में ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए।